हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, इस बार वीडियो कुछ ज़्यादा लेट हो गया है, तो चलिए हम बताने वाले हैं कि किस प्रकार से टाउनशिप के अंदर जो वर्न है उसको हैक कैसे किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। गेम गार्डियन को ओपन करना है। गेम गार्डियन ओपन हो चुका है, अब आप टाउनशिप को ओपन करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ कि इस वीडियो के अंदर मैं कुछ खास जानकारी देने वाला हूँ और कुछ कमेंट्स के जवाब देने वाला हूँ, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा ताकि आपको फुल जानकारी मिल सके। तो हम हैक करने वाले थे जो वर्न है, इसको हैक करने वाले हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गेम गार्डियन को ओपन करना पड़ेगा, उसके बाद टाउनशिप को सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसे बैक करने के बाद अब आप करेंगे क्या, बर्न की वैल्यू चेक करनी है। तो अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो इसकी कैपेसिटी है वो 260 है। अब इसे हमें बढ़ाना है। और दोस्तों, आपको बता दूं कि इसे हम अनलिमिटेड ले सकते हैं, आप जितना चाहें उतना इसको अप कर सकते हैं, लेकिन आप सावधानी से करिए ताकि आपका गेम बैन ना हो। तो इसको हैक करने के लिए आपको यहाँ पर जो लिखा हुआ है 260, ठीक है, इसको वैल्यू में भरना पड़ेगा। इससे पहले की जो वैल्यू है आपको वो याद करनी पड़ेगी। अगर आपको वो नहीं पता है तो याद कर लीजिएगा, अगर नहीं याद आ रहा है तो आप एक बार इसे अपग्रेड कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वैल्यू और जो अभी वर्तमान में है वो पता रहे। तो अभी 260 है और इससे जो पहले थी वो 235 थी। ओके, चलिए, तो इससे पहले की वैल्यू 235 थी और अभी की वैल्यू 260 है, और इसके आगे की वैल्यू जो है वो हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर 285 है। ओके, तो ये वैल्यू आ गई हैं, फर्स्ट वैल्यू भरनी है हमें 235, सेकंड वैल्यू 260, थर्ड वैल्यू 285। ओके, तो चलो शुरू। तो सर्च आइकन पे हमें क्लिक करना है। ओके, इसके बाद यहाँ पर हमें टाइप करना है 1। ओके, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है। अब यहाँ पर मैं जो भी लिखने वाला हूँ आपको ये सब सारा का सारा सेम लिखना है, सिर्फ उस वैल्यू की नंबर्स चेंज करने हैं। ओके, चलिए, तो 1, फिर से 1, ओके, फिर से 1, ओके, चलिए। तो यहाँ पर अभी जो वैल्यू है वो 260 है, इससे पहले की वैल्यू जो थी वो थी 235। ओके, तो सबसे पहले लिखनी है हमें 235। ओके, सॉरी, अब यहाँ पर जो आपकी वैल्यू है आपको इसके सेम नहीं लिखना है, ये जो आप लिखा है यहाँ पर 111, आपको ये ज़रूर लिखना है, इसके बाद 222। ओके, सेकंड वैल्यू 260, थर्ड वैल्यू
ओके, तो ये हो गई हमारी वैल्यूज़। अब आपको चेंजेस क्या करने हैं, आपको चेंजेस ये करने हैं, बाकी सारा का सारा यही रहेगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 235 एंड 260 एंड 285, ओके, ये सारे के सारे चेंज होने हैं। जैसे कि आपके में जितना वैल्यू है या जितने नंबर्स हैं आपको वो यहाँ पर टाइप करने हैं। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं आपको दोबारा से समझा दूंगा। तो चलिए अभी हम आपको फिर से समझा देते हैं एक बार। अभी यहाँ पर जो है वो 260 है, इससे पहले की वैल्यू थी वो थी 235। अब इसकी नेक्स्ट वैल्यू है वो यहाँ पर चेक कर सकते हैं 285, ओके। तो चलिए ये हो गया है। अब हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड पर सिलेक्ट करके इसे न्यू सर्च पर डाल देंगे। अभी ये सर्च होके आ गया है, ओके। तो अभी यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर इतना सारा मटेरियल है जो रिक्वायर कर रहा है, तो हम इसको जो है ब्लॉक करेंगे ताकि ये मटेरियल ना मांगे और ये अपग्रेड हमारा करता रहे। और दोस्तों ये जो है वो अनलिमिटेड, आप इसका स्पेस जो है अनलिमिटेड बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको सावधानी से करना है ताकि आपका गेम बैन ना हो। तो चलिए अभी हम कुछ सवालों के जवाब दे देते हैं। हमारे कमेंट बॉक्स में कुछ भाइयों ने लिखा है कि ये हमारा गेम जो है वो 14 लेवल के बाद बंद हो जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये आप थोड़ा गलत तरीका इस्तेमाल करते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारा जो लेवल है अभी 30 लेवल है और ये बैन नहीं हुआ है और ना ही बैन होगा, क्योंकि मैं इस पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ और इससे पहले मेरे कई अकाउंट जो हैं बंद हो चुके हैं, लेकिन इस बार जो है मैंने इसका सॉल्यूशन निकाल कर जो है वीडियो बनाया। तो आपका जो गेम ना बंद हो इसके लिए एक ही तरीका है कि आप दो लेवल बढ़ाइए, दो लेवल की एक्सपी जो है आप कीजिए, उसके बाद दो बार फसल जो सबसे ज़्यादा टाइम की फसल हो आप उसे दो बार यहाँ पर बोइए और उसे काट लीजिए, ओके। तो इससे क्या होगा कि आपका गेम जो है रियल टाइम से नेक्स्ट टाइम में चला जाएगा। जैसे कि अभी रियल टाइम में जितना भी टाइम हो रहा है और जितना टाइम फसल के लिए लगेगा वो उतना टाइम आगे चले जाएगा, यानी कि जैसे दो दिन की फसल है तो ये दो दिन आगे गेम चला जाएगा और सर्वर को पता नहीं चलेगा कि आप गेम खेल रहे हैं अभी और ये लेवल आपका अभी बढ़ा है या दो दिन बाद बढ़ा है, ओके। तो ये इसका सही तरीका है, मैं इसी प्रकार से करता हूँ। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में इसका जो सवाल है छोड़ दीजिएगा और मैं आपको फिर से वीडियो बनाकर दे दूंगा, ओके। तो चलिए, और ये हम वीडियो बनाते हैं बिल्कुल ही फेक नहीं है, मैं इसका दावा करता हूँ। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अपनी राय ज़रूर दें। चलिए तो हम इसके लिए अब आगे बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक पर। तो यहाँ पर इतना सारा मटेरियल जो है रिक्वायर कर रहा था, इसको हम ब्लॉक करेंगे। तो जो हमारी यहाँ पर जो वैल्यू है 285, अभी हम इसको फाइंड करके सर्च करेंगे, ओके। यहाँ पर आपको लिखना है 285, ओके। अभी यहाँ पर हो गया फाइंड। ये फाइंड होने के बाद इसको फोटो पर क्लिक करके इसके अंदर जाना है। उसके बाद क्या करना है, इन सब को हटा देना है। और अभी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इन सब को अनटिक कर देना अगर आपके पास आए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। और ये येलो लाइन के ऊपर जो ये थ्री लाइन है इसकी वैल्यू को आपको टिक कर लेना, ओके।
अब ध्यान से देखिए और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, ओके। तो अब क्या करना है इसके बाद, ये हमारी तीन लाइन जो है वो टिक हो चुकी हैं। अब इसके बाद हम एडिट पर क्लिक करेंगे, ओके। तो एडिट पर क्लिक कर लेते हैं, उसके बाद डिवाइड को सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर जीरो वैल्यू कर देना है, ओके। तो जीरो वैल्यू होने के बाद यस पर टैप करना है। अब हम इसे वापस करेंगे, तो वापस आने के बाद देखते हैं कि ये वैल्यू जीरो हुई है या नहीं। तो वापस आते हैं, ओके, फिर से एंटर करते हैं। और यहाँ पर तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो मटेरियल की वैल्यू है वो जीरो हो चुकी है, आप देख पा रहे हैं। तो चलिए हम इसको अप करते हैं। अप करने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है इंक्रीज स्टोरेज टू 285, इस पर क्लिक कर देंगे। अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 285 इसकी स्टोरेज कैपेसिटी हो चुकी है। तो अब इसके नेक्स्ट का जो है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 310 लिखा हुआ है, तो आपको इसको क्लिक करना है, ओके। इससे क्या होगा कि और इंक्रीज हो जाएगी, ओके। ऐसे आप करते रहेंगे। अभी आ गया है, अब आपको क्या करना है इसका सॉल्यूशन, फिर से गेम गार्डियन के अंदर जाना है। अब क्या है कि इस आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, चलिए फिर से एंटर कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। अभी मैंने यहाँ पर आपको दिखाया था कि जीरो करके और दो बार इंक्रीज किया जा सकता है। तीसरी बार कैसे इंक्रीज करेंगे आपको इसके ऊपर का, यानी अभी आपने इन्हें टिक किया था, ओके। अब आपको इनको अनटिक करना है, उसके बाद इन तीनों को इसके ऊपर यानी स्क्रॉल अप करना है, और उसके ऊपर जो थ्री लाइन फिर से मिलेंगे आपको, इनको टिक करके और एडिट पर क्लिक करके डिवाइड को सिलेक्ट करके और वैल्यू को जीरो कर देना है, ओके। ये इस पर टैप कर देना है आपको, उसके बाद फिर से बैक आना है, फिर बैक आना है, फिर से एंटर करना है और अपग्रेड पर क्लिक करना है। तो हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अपने टाउनशिप के जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको शेयर करिएगा। और कोई भी सवाल आपके पास रहे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हम उसका सॉल्यूशन ज़रूर आपको देने की कोशिश करेंगे, ओके। तो तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।